दोस्तों मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस YouTube चैनल पर हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा वो है सप्ताह में दो दिन का लॉकडाउन तो इस पर हम चर्चा करेंगे सप्ताह में दो दिन के लॉकडाउन के साथ साथ एक फैक्ट और है उस पर भी मैं बात करूंगा दोनों बातें महत्वपूर्ण है इसके अलावा यदि आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें आपके ऐप और टेलीग्राम से संबंधित है अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं हेडिंग डाल दीजिए सप्ताह में दो दिन का लॉकडाउन वर्तमान में यह काफी चर्चा में है यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह जी खचरियावास उन्होंने यह बात कही है कि वह मुख्यमंत्री से इसके बारे में बातचीत करेंगे और कहेंगे कि ये इस तरीके का सिस्टम राजस्थान में लागू किया जाए आप लिखना चाहो तो एक आगे लिख सकते हो राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अनुसार अब देखिए ऐसा नहीं है कि प्रताप सिंह जी ने ही इस बात को छेड़ा है अन्य राज्य भी इस पर मुद्दा उठा रहे हैं और कई लोग इसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं कि सप्ताह में दो दिन का लॉकडाउन लागू हो यहाँ मैं आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये कितना सही है यदि मैं मेरे व्यू से कहूँ तो ये सही है और ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सही है वैसे भी ये सही होगा कैसे ध्यान से समझिए सबसे पहले तो यदि मैं इसके फायदे की बात करूं एक तो कोरोना वायरस का संक्रमण कम होगा कोरोना वायरस का संक्रमण कम होगा ओबियसली बात है ये सारा सिस्टम बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और जो भी इसमें हमें गति दिखाई दे रही है वो धीमी पड़ने की संभावना रहेगी उसके बाद जब वैक्सीन आ जाएगी तो फिर उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे खैर जो भी है हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गति धीमी होगी दूसरा रोजगार में लोग लगे रहेंगे लोग जो है अपने रोजगार में लगे रहेंगे जो काम वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे इससे क्या होगा जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी तो एक आप ये कह सकते हो इसका जो परिणाम होगा भारत की अर्थव्यवस्था बैलेंस में रहेगी क्योंकि देखिए यदि हम लगातार लॉकडाउन लगाते हैं जिसे हम देख चुके हैं लगाकर तो इंडियन इकोनॉमी माइनस तेईस परसेंट तक चली गई है माइनस तेईस परसेंट तक तो उसका नेगेटिव रिजल्ट हमने देखा भी है और हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आवश्यक भी था क्योंकि महामारी ज़्यादा फैल रही थी लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जीवन रुकने का नाम नहीं है इसे कुछ समय तक के लिए तो रोका जा सकता है लेकिन ज्यादा समय तक इसे रोकना फिर वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है ऐसी स्थिति आप अनुभव भी कर रहे होंगे सही तरीके से लगाया गया लॉकडाउन एक सकारात्मक परिणाम भी देता है और हमारे जीवन की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बैलेंस में रखता है क्योंकि दोनों का बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है तीसरी बात जो है जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा ऑब्बियसली बात है जब लॉकडाउन होगा इन दो दिनों में तो व्हीकल नहीं चलेंगे वाहन नहीं चलेंगे वाहन नहीं चलेंगे तो उनसे जो धुआं निकलता है वो नहीं निकलेगा वो नहीं निकलेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा इसका रिजल्ट जो है आप देख भी चुके हो जब मार्च में लॉकडाउन लगा था उसके बाद में आप देखिए पर्यावरण में कैसे सुधार हुआ था और आज भी आप देख लीजिए आपको बादल दिखेंगे आपको बादल तो खैर दिखते ही हैं लेकिन चांद तारे दिखेंगे आपको चांद तारे मुझे नहीं लगता कि थोड़े थोड़े टाइम से लुप्त से हो गए थे वो और लॉकडाउन के बाद में वो हमें दिखने भी लगे हैं हम ये कह सकते हैं कि हमने पर्यावरण संरक्षण को देखा है और पर्यावरण की शुद्धता हमने कई सालों के बाद अनुभव भी की है तो इस दृष्टि से यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा इकोनॉमी की दृष्टि से यदि मैं आपको कहूं ठीक है हम कहेंगे कि इस दिन कामकाज नहीं होंगे तो फिर अर्थव्यवस्था डाउन हो सकती है लेकिन उसको हम इस एवज में भी देख सकते हैं कि पर्यावरण का सुरक्षित रहना संरक्षित रहना हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है उसके अलावा यदि मैं इसको इकोनॉमी से भी जोड़कर देखूं तो भी आपको जोड़कर बता सकता हूं जैसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे तो वहीकल क्या होंगे कम चलेंगे ओबवियसली बात है कम चलेंगे इसी तभी तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा वाहन कम मिलेंगे तो ईंधन कैसा लगेगा फ्यूल कैसा लगेगा कम लगेगा और फ्यूल के लिए भारत क्या है आयात करता है इंपोर्ट करता है मैंने पहले ही बताया था आपको तो इंपोर्ट करता है तो हमें ईंधन का आयात क्या करना पड़ेगा इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा तेल और जो प्राकृतिक गैस है इनका कम करना पड़ेगा जब ईंधन का हमें आयात कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली बात है डॉलर हमारे पास ज्यादा बचेगा डॉलर निकलेगा नहीं और डॉलर ज्यादा बचेगा तो हमारा जो रुपया है वो मजबूत होगा रुपये की कीमत बढ़ेगी इसकी बातें हम इकोनॉमिक्स में करते भी हैं और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में जल्द ये चैप्टर आने भी वाला है तो ये फायदे हमें देखने को मिलेंगे यहां पर अब मैं यहाँ से आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा आपके स्टडी से संबंधित कई बच्चों के मैसेज आए मेरे पास वो इस तरीके से मैसेज आए क्योंकि अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि जो यूपीएससी की परीक्षा है जो प्री है उस पर भी विचार चल रहा है हो ना हो खैर देखते हैं क्या डिसीजन आता है तो यू खुद लेगी इसके अलावा राजस्थान में भी कई जो एग्ज़ाम है जैसे शायद ए का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है अब ये जो एग्ज़ाम पोस्ट हो रहे हैं आगे हो रहे हैं तो कई बच्चों के मन में ये बातें आ रही होगी कि सर अब हम क्या करें ओब्वियसली बात है आपका दिमाग एक बच्चा दिमाग होता है तो ये क्वेश्चन आने स्वाभाविक भी होते हैं लेकिन मैं यहाँ पर एक टीचर होने के नाते आपको ये कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को मत रोकना बिल्कुल भी नवंबर में आपके कॉन्स्टेबल है उस दिल्ली पुलिस है पटवारी के एग्जाम है जो भी आगे हो जा रहे हैं जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो सुचारू रूप से करते रहें इनमें बिल्कुल भी दिग्भ्रमित मत हो है। पेपर होंगे या नहीं होंगे ये वक्त पर छोड़ दीजिए आप लेकिन आपकी तैयारी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए उसमें दिन प्रतिदिन प्रगति होनी चाहिए नहीं तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचेगा ये ध्यान रखना यह बहुत कड़वी बात है लेकिन ये सच्ची बात है आप अपनी तैयारी करते जाइए कई लोगों को मैं देख रहा हूं कई बच्चे फ़ोन आते हैं मैसेज आते हैं बात करते हैं अपनी समस्याएं मुझे बताते हैं तो मैंने ऐसे देखा है कि जो सोशल मीडिया पर अन्य जो ऑनलाइन मार्केट है उसमें जो सस्ते कोर्स मिल रहे हैं सस्ते कोर्स मिल रहे हैं उनको कह रहे हैं एक बार ले कर देख लेते हैं बाद में कहीं और कर लेंगे देखो ऐसी ही मत रखिए बाद में कुछ नहीं देखा जाएगा बाद में तो नाकामयाबी देखी जाएगी जिसका परिणाम बहुत गंभीर होगा ये ध्यान रखें जो भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है उसका डिसीजन बहुत सही तरीके से ले जैसे हम राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आपको जो भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है उसमें बकायदा आपको ये कहा जाता है कि जो भी बच्चा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करेगा उसे ऑफलाइन में भी आने की अनुमति होगी मैं वापस रिपीट कर दूं जो बच्चा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल परचेज करता है उसको ऑफलाइन में भी आने की अनुमति होगी ये ध्यान रखें ये कई बच्चे इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं और रही बात ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की कीमत की तो दोस्तों ये कीमतें जो होती है ये क्वालिटी पर डिपेंड करती है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी जिसकी क्वालिटी कम होगी उसकी कीमत कम होगी मार्केट में 200 की भी शर्ट आती है मार्केट में 2000 की भी शर्ट आती है ये सभी सभी अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देखा जाता है फिर भी आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित जिसको भी कोई भी समस्या आती है वो इन नंबरों पर बात कर सकता है जैसे ये जो नंबर है मैंने हालांकि पहले ही बताए हैं नाइन सेवन एट थ्री नाइन टू नाइन फाइव सेवन सिक्स और सिक्स थ्री सेवन फाइव फोर ज़ीरो फाइव सिक्स फाइव वन इन नंबर पर आप कर सकते हो और एक तीसरा नंबर और बता देता हूँ सिक्स वन फाइव सेवन थ्री ये है इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो लेकिन अपनी तैयारी को बिल्कुल मत रोकना नहीं तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा यह बहुत कड़वी बात है लेकिन यह कहनी बहुत आवश्यक है अपनी तैयारी को मत रोकिए अभी और दिग्भ्रमित करने वाले सिस्टम आएंगे आपके सामने उन सभी से दूर रहिए अपनी तैयारी को लगातार धार देते जाइए रिवाइज कीजिए रिपीट करते जाइए और इधर उधर ध्यान ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्लियर तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए फिर मैं एक शब्द है उस पर चर्चा करना चाहूँगा एक शब्द है हेडिंग डाल रखना ये फेलूदा फेलुदा शब्द है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और फलूदा नहीं है ध्यान रखना फेलूदा है ये। एक बात और करना चाहूंगा इस फेलूदा को एक्सप्लेन करने से पहले जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या सप्ताह में दो दिन का लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर अपने विचार आप दें और जो अपना YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने जवाब दें ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है नॉर्मल सही शब्दों में और कम शब्दों में और तटस्थ होकर तटस्थ होकर बिना किसी भावनाओं में नहीं बहना आपने दोनों बातें साथ में रखनी है प्रैक्टिकल एक तो प्रैक्टिकल होकर बात करनी है बिना प्रैक्टिकल के नहीं बिना प्रैक्टिकल के जब हम बात करते हैं तो हमारी बातें अधूरी होती है हमारे तर्क भी अधूरे होते हैं और हमारी जो राय होती है या हमारी सलाह जो होती है वो अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें प्रैक्टिकल देखिए भावनात्मक रूप से तो हम कुछ भी कह दें लेकिन वास्तविक जीवन में मैं मानता हूं भावना का भी अपना एक स्थान होता है लेकिन वर्तमान में जो युग चल रहा है उसमें प्रैक्टिकल होना भी बहुत आवश्यक है तो आप अपने विचारों में प्रैक्टिकल स्थिति को जो प्रैक्टिकल सिस्टम है उसको जरूर शामिल करें तो देखते हैं आपके कैसे विचार आते हैं आइए मैं बात करूंगा फैलूदा पर क्या है फैल मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा ये जो फेलूदा है कोविड उन्नीस की टेस्ट किट है ये तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि फेलूदा क्या है ऐसे ही बनेगा तो कोविड उन्नीस की एक टेस्ट किट है इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे सकता है एक मिठाई का नाम है या बहुत ज्यादा आपको दिग्भ्रमित करेगा तो आपको कह देगा कि जीआई टैग प्राप्त एक मिठाई जी आई टेग प्राप्त एक मिठाई इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर लेगा जी आई टेग भी काफी चर्चा में रहता है तो आप उसमें भी कंफ्यूज कर सकता है आपको तो आप ध्यान रखें जो फेलुदा है वो कोविड उन्नीस की टेस्ट किट है अब मैं यहां पर आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये जो फेलुदा नाम क्यों रखा गया यह नाम क्यों रखा गया देखिए एक फिल्मकार थे सत्यजीत राय एक फिल्मकार हुआ करते थे अब ये जो सत्यजीत राय हैं ये फिल्में बनाते थे लिखते थे और ये उपन्यास भी लिखते थे ये उपन्यास भी लिखते थे अब उपन्यास लिखते थे तो जैसे मैं आपसे एक बात कहूं उपन्यास के अपने करेक्टर होते थे जैसे आपने बचपन में या अभी भी सुना होगा अभी तो मुझे पता नहीं है वो चलते हैं कि नहीं चलते लेकिन पहले तो बहुत चलते थे जैसे नागराज की कॉमिक्स आती थी भोकाल की कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी इनकी कॉमिक्स आती थी तो वो अपने आप में करेक्टर हुआ करते थे ठीक है ना तो इन उपन्यासों में ये जो उपन्यास लिखते थे इनके प्रमुख करेक्टर थे एक तो हुआ करते थे प्रोफेसर शंकु ये एक करेक्टर होता था दूसरा जो करेक्टर होता था वो था फेलुदा तो इनके उपन्यास का जो करेक्टर का नाम फेलूदा था उसी के आधार पर इस टेस्ट किट का नाम रखा गया है तो कोविड उन्नीस की ये टेस्ट किट है ये। अब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं फेलूदा की ये क्या करेक्टर था क्या काम करता था ये क्या था प्राइवेट जासूस था ये। चाचा चौधरी टाइप का कह सकते हो आप ये। तो प्राइवेट जासूस होता था और बहुत अच्छे तरीके से काम करता था इसको कोई भी काम जब देते थे तो ये काम को बहुत ही सही तरीके से करता था जल्दी परिणाम देता था और ऑबियसली बात है पैसे भी कम लेता था तो जब सारा तंत्र विफल हो जाता पुलिस नहीं खोज पाती कोई अन्य जो सिस्टम होते थे उस टाइम पकड़ने के अपराधियों को वो जब फेल हो जाते तो इसको कहा जाता कि अब आप करो यार तो ये उस काम को सोल्व कर देते थे तो काम को सोल्व भी कर देते थे और इनकी कीमत भी कम हुआ करती थी और परिणाम भी जल्दी देते थे ये तो इस कारण से ये चर्चा में रहते थे ठीक इसी तरीके से जो ये कोविड उन्नीस की जो टेस्ट किट है इसकी विशेषताएं क्या है इस फेलुदा के समान है एक तो ये सस्ती है मतलब छह सौ रुपए के आसपास है ये सस्ती है ये क्लियर दूसरा एक्यूरेसी ज्यादा है एक्यूरेसी ज्यादा है मतलब एक्यूरेट बताती है ये इसमें गलती होने की संभावना कम रहती है और तीसरी जो बात है इसमें परिणाम जल्दी बताती है अब जब ये रिजल्ट जल्दी बताती है एक्यूरेसी ज्यादा है सस्ती है इसकी तुलना आप फेलुदा करेक्टर से कर दीजिए मिलता जुलता है ना ये सारा सिस्टम इस कारण से इसका नाम फेलुदा रखा गया तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है बस आप तो इतना जरूर ध्यान रखना कि फेलुदा क्या है कोविड 19 की एक टेस्ट किट है तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए तो दोस्तों आज हमने सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन पर चर्चा की मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपके विचारों का जो आधार है वो तर्कयुक्त होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए ये ध्यान रखें आप इसके अलावा हमने फेलुदा पर चर्चा की मान के चलना ये आने वाले एग्जाम में आपको जरूर कहीं ना कहीं टकराएगा तो इसको मिस ना करें ध्यान रखें आप तो दोस्तों इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें तो इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार